नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। 90 वर्षों बाद 1 फरवरी को भीष्म एकादशी, 6 राशियां होंगी करोड़पति। दोस्तों, माघ का पवित्र महीना चल रहा है। माघ मास के शुक्ल पक्षी एकादशी को भीष्म एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल भीष्म एकादशी का व्रत 1 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। भीष्म एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन किया जाता है। इसे जया एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण का विधि विधान से पूजन करने पर व्यक्ति को भूत प्रेत पिशाच आदि की योनियों से मुक्ति मिलती है। सुखमय जीवन व्यतीत कर अंत में भगवान श्री विष्णु जी की कृपा से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और कष्टों से छुटकारा मिलता है। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त भीष्म एकादशी का व्रत करते हैं, उनके जो अनजाने में किए गए कार्य हैं वो सभी नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्ति मिल जाती है। भीष्म एकादशी की कथा के अनुसार इंद्रलोक की अप्सरा को श्राप के कारण पिशाच योनि में जन्म लेना पड़ा था। जब उन्होंने इस भीष्म एकादशी का व्रत किया तो उन्हें इस योनि से मुक्ति मिल गई, फिर से इंद्रलोक में स्थान प्राप्त हुआ। भीष्म एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से जिसे प्राप्त हो जाती है उसके घर में सुख समृद्धि का सदैव वास रहता है और दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस बार यह भीष्म एकादशी का व्रत 1 फरवरी दिन बुधवार को रखा जाएगा। दोस्तों, बता दें कि पारण करने का समय 2 फरवरी सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 8:49 तक रहेगा। दोस्तों, खास बात तो यह कि इस बार की इस भीष्म एकादशी पर कई अद्भुत शुभ संयोग बन रहे हैं। इस दिन सर्वार्थ सिद्धियोग और अमृत सिद्धियोग का निर्माण हो रहा है, जिसके कारण माता लक्ष्मी जी कुछ विशेष राशियों की किस्मत चमकाने वाली हैं। माँ लक्ष्मी कृपा से अब कुछ राशियों की किस्मत चमकेगी, इनके जीवन में बड़ा धन लाभ हो सकता है। तो आखिर ये भाग्यशाली राशियाँ कौन कौन सी है जो इस बार भीष्म एकादशी के दिन करोड़पति बनने वाली हैं, आज इस वीडियो में हम आपको इन्हीं भाग्यशाली राशियों के बारे में बताने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बताना चाहेंगे कि सबसे पहली राशि है वो है मेष राशि। मेष राशि के आपको बता दें कि इस बार भीष्म एकादशी के दिन बन रहे शुभ संयोग के कारण अब आपकी किस्मत चमकेगी, लाभ के योग बने रहेंगे, लगातार आमदनी बढ़ेगी, कुछ अधूरे कार्य पूरे होंगे, लगातार आमदनी के जरिए बढ़ेंगे। इसमें जो भी कार्य करेंगे, फैसला लेंगे, माँ लक्ष्मी कृपा से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होगी। अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर होगी, अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। लंबे समय से पेंडिंग काम भी आसानी से पूरे होंगे, कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी देखने को मिलेंगे। साथ ही बता दें कि इसमें आप उचित निर्णय और डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे, कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर होगी। बता दें कि इसमें आपको नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करने का मौका मिलेगा, कार्यक्षेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर होगी, कुछ बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। बता दें कि इसमें जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला लेंगे वो काफ़ी सफलता दिलाएंगे, आपको नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी कृपा से आपकी आमदनी बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा। माँ लक्ष्मी कृपा से आप जो भी कार्य करेंगे, जिस कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें आपको लाभ ही लाभ देखने को मिलेगा। अब अगली जो दूसरी राशि आती है वो है यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों को बता दें कि यानी 1 फरवरी को भीष्म एकादशी के दिन अब आपकी किस्मत चमकने वाली है। माँ लक्ष्मी कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करने वाले हैं। बता दें कि इसमें आप नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत करेंगे, बिजनेस व्यापार के साथ साथ इम्पोर्टेंट फैसले लेंगे और कोई महत्वपूर्ण डील फाइनल होगी, कार्यक्षेत्र में चली आ रही परेशानियाँ दूर होगी, इम्पोर्टेंट फैसले डिसीजन लेने में सक्षम रहेंगे, कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक मुनाफा देखने को मिलेगा, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे, जो कार्य अभी तक नहीं बन पा रहे थे उन्हें पूरा कर सकते हैं। इसमें आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा, लंबे समय से पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे, महत्वपूर्ण कार्य बनेंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करने का मन बना सकते हैं। इसमें आमदनी बढ़ती नजर आएगी, आमदनी के जरिए आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलेगा, जो कार्य अधूरे पड़े थे, पेंडिंग थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए काफ़ी खास रहेगा, व्यापार में आपको सफलताएं प्राप्त होंगी, अभी तक अगर कोई कार्य नहीं बन पा रहा था तो वो कार्य बनता हुआ नजर आएगा,
माँ लक्ष्मी कृपा से आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे। अब अगले तीसरी जो राशि आती है दोस्तों बता दें, वो है तुला राशि। तुला राशि का आपको बता दें कि आपकी किस्मत चमकेगी। इस भेष में एकादशी के दिन आपकी लॉटरी सट्टा में अजमाइन के भाग्य तो लाभ होगा। इसमें आप शिक्षा में सुधार होगा, शिक्षा में अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त होगा। लगातार किए गए प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। माँ लक्ष्मी कृपा से आप जो भी निर्णय लेंगे, जो भी फैसला करेंगे, सफलता मिलेगी। जमीन प्रॉपर्टी संबंधित फैसले हो सकते हैं, तो वहीं घर परिवार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकते हैं। घर परिवार के लिए आपका यानी कि फोकस बना रहेगा, कुछ अधूरे कार्य भी पूरे होंगे। लगातार किए गए प्रयास आपको सफलता दिलाएंगे और मनचाही सफलताएं प्राप्त होंगी। प्रत्येक कार्य आसानी से पूरे होते चले जाएंगे। इसमें आपके द्वारा लिए गए डिसीजन काफ़ी लाभदायक रहेंगे। अब अगली चौथी राशि है दोस्तों बता दें, वो है धनु राशि। आपकी आमदनी बढ़ेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, महत्वपूर्ण फैसले लेंगे, प्रेम जीवन में खुशियां, लव लाइफ अच्छी रहेगी। लव पार्टनर कुछ गिफ्ट वगैरह उपहार स्वरूप कुछ भेंट वगैरह दे सकते हैं। उनके साथ काफ़ी अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करते नजर आएंगे। इसमें आप अगर विदेश में कोई आपका चल रहा कारोबार तो उसमें लाभ होगा। साथ ही साथ बता दें कि अधूरे कार्यों को पेंडिंग कामों को पूरा करेंगे। माँ लक्ष्मी कृपा से बैंक से कोई लोन वगैरह मंजूर हो सकता है, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति और वित्तीय मामले में सुधार होगा। इसमें धर्म कर्म के कार्य करेंगे। बता दें कि इसमें आपकी दरिद्रता दूर होगी, गरीबी दूर होगी। माँ लक्ष्मी कृपा से आपको इस भीष्म एकादशी के दिन महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी, नए नए कार्य करने का मौका मिलेगा। अब जो अगली पांचवी राशि आती है वो है मकर राशि। मकर राशि कहते बता दें कि अब आपका भाग्य उदय होगा, भाग्य सातवीं आसमान पर रहेगा। समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लोकप्रियता हासिल होगी। कार्य क्षेत्र में चली आ रही परेशानियां दूर होगी। इनकम बढ़ती नजर आएगी, इनकम में वृद्धि होगी। कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से लाभ होगा, अधूरे कार्यों को पूरा करेंगे। जो कार्य काफ़ी समय से पेंडिंग थे, अधूरे थे, उन्हें पूरा कर सकते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए काफ़ी खास रहेगा। इसमें आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी सराहनीय होंगे। बता दें कि इसमें समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। राजनीतिक क्षेत्रों में लाभ होगा, प्रेम जीवन में खुशियाँ, शिक्षा में आपको कंपटीशन प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का मौका मिलेगा। अब अगली यानी जो छठवीं राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि आपको बता दें कि अब इस बार भीष्म एकादशी के दिन आपका भाग्य उदय होना तय है, क्योंकि माँ लक्ष्मी कृपा विशेष बन रही है। आपके द्वारा लिए गए निर्णय प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाएंगे और इसमें संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं। संतान की चाहत पूरी होगी, संतान की तरक्की से आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। बता दें कि इसमें भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पूजा आराधना करके आप जो भी कार्य करेंगे लाभ होगा। इस दिन दान दक्षिणा जरूर करें। बता दें कि इसमें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और लोकप्रियता हासिल होगी और बड़ी कंपनी से ऑफर जॉब के लिए आएंगे। जॉब से संबंधित कोई कार्य क्षेत्र में पूरा होगा, उच्च अधिकारियों को सपोर्ट प्राप्त होगा। बता दें कि इसमें नई जॉब लगने की संभावना बन रही है, नई जॉब में आपको जबरदस्त सफलता देखने को मिलेगी। तो दोस्तों इस बार 1 फरवरी को इन 6 राशियों की किस्मत चमकेगी, क्योंकि इस दिन भीष्म एकादशी का व्रत है। इसलिए तो कहा है कि पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। 90 वर्षों बाद बता दें कि 1 फरवरी को भीष्म एकादशी, 6 राशियां होंगी करोड़पति। तो दोस्तों कमेंट में जरूर लिखिएगा जय माँ लक्ष्मी। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय माँ लक्ष्मी।